हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन क्या है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, कंडीशन क्या दी गई है कि ट्री ब्रेक्स, ट्री टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यानी अगर हम ट्री को मान लेते हैं ये ट्री है और इसी की हमें हाइट फाइंड करनी है, ये ट्री की हाइट है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे हम ट्री की हाइट को, और ट्री टूट जाता है अगर हम मान लेते हैं यहाँ से ट्री जो ब्रोकन पार्ट था यहाँ से टूट के ऐसे ग्राउंड को टच कर लेता है, और इसको हम लिख लेते हैं सी बी और ए बी सी हो गया, और इसको हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पूरा ट्री इतना लंबा था ट्री, उसमें से इसका इतना पार्ट टूट के ग्राउंड को टच कर दिया, और कितना एंगल यहाँ पे बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट ऑफ द ट्री ये है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, और जहाँ पे इसका टॉप ग्राउंड को टच किया था उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 8 मीटर है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 8 मीटर। अगर हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है ट्री के, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा और ये बी सी फाइंड करना पड़ेगा। हम बी सी कैसे फाइंड करें, यही तो पार्ट यहाँ पे टूटा है, इस तरीके से बेंड हो गया है। तो यानी अगर हम ए बी फाइंड कर लेंगे और बी डी फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। हमें ए डी कितना दिया गया है, ए डी इक्वल टू 8 मीटर है। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टैन का फॉर्मूला लगाएंगे, टैन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री लिख देंगे। और टैन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे क्या है, ए डी है। तो टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए डी हमारा बेस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया गया हमें फाइंड करना है, ए बी, तो ए बी को ए बी लिख देंगे हम, और ए डी हमें दिया गया 8 मीटर, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, 8/√3 मीटर लगा देंगे। तो ये हमें ए बी की वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे हम cos 30 लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे टेन क्यों लगाया और यहाँ पे हमने cos 30 क्यों लगाया, तो इसके लिए हमने, हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये साइन का हो गया, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस का हो गया, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन का हो गया, ये कॉस हो गया और ये साइन हो गया। तो हमने यहाँ पे टैन ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला इसका है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ से अगर हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइट का, ट्री का हाइट फाइंड कर सकते हैं। और बात तो यहाँ पे साइन में भी, तो परपेंडिकुलर नहीं, आप इस फार्मूले के हमने क्यों नहीं लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो हो जाएगा और यहाँ पे हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं ना पता है और न परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू पता है, तो कैसे निकाल पाएंगे हम, इसीलिए सुटेबल क्या था, टैन टैन लगाना। यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमें मालूम है 8 मीटर, तो यहाँ से हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। एंड उसके बाद हमने कॉस लगाया क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ से बेस बेस की वैल्यू पता 8 मीटर, और यहाँ पे हाइपोटेनस में मिल जाएगा तो निकाल लेंगे इससे, इसलिए हमने यहाँ पे टेन और कॉस को चूज किया है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉस 30, तो कॉस की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए डी है, एंड हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, बी डी है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, एंड ए डी की वैल्यू क्या है, 8 है, और बी डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से बी डी क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस हम, तो बी डी √3 इक्वल टू 8 × 2 = 16 हो गया। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी 16/√3, ये √3 मीटर, ये हमारी बी डी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमें ए बी मिल गया है
और ये हमें बी डी मिल गया है। यही तुम्हारी हाइट ऑफ द ट्री थी। ये जो सी बी पार्ट था ये तो बेंड हो गया, यानी टूट गया था और यहाँ पे बेंड हो गया था ग्राउंड पे। तो यानी अगर हम ए बी प्लस बी डी कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगा, हाइट कितनी, हाइट क्या है, ए सी है। तो ए बी प्लस बी डी करेंगे, और यहाँ पे अगर बी डी, ये जो हमारा बी डी है किसके इक्वल है, ये बी डी इक्वल है हमारे बी सी के है, बी डी इक्वल है बी सी, क्योंकि यही पार्ट बेंड हुआ था। तो यानी बी डी इक्वल टू बी सी का हो गया, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 8 बाई अंडर रूट 3, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी आई थी, 16 बाई अंडर रूट 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3 को हटाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं अंडर रूट 3 को, एंड 8 प्लस 16 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 24 हो गया यहाँ पे। अब इसको हम अंडर रूट 3 को हम हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3, यानी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 3 8 जो 24, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आंसर, 8√3 मीटर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका सलूशन फाइंड किया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।